हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि जीपी रेटिंग कोर्स क्या है, एसटीसीडब्ल्यू कोर्स क्या है और दोनों में क्या डिफरेंस है। लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा कि कौन से लोग जीपी रेटिंग के लिए जाएं, कौन से लोग एसटीसीडब्ल्यू के लिए जाएं। तो जैसा हर यूट्यूब पर बोलते हैं, आप सब लोग ये सब कर लो। मेरा नाम है सलमान, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेनिंगशिप सलमान में। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैंने STCW कोर्स और जीपी रेटिंग कोर्स पर पहले से एक डिटेल फुल डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप आई बटन पर चेक कर लेना और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। मगर इस वीडियो में हम थोड़ा ब्रीफ में जीपी रेटिंग और STCW को देख लेते हैं। तो जीपी रेटिंग क्या है? जीपी रेटिंग का फुल फॉर्म है जनरल पर्पज रेटिंग। इस कोर्स को करने के लिए आपकी एज है जो वो 17.5 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए और 25 ईयर से कम होनी चाहिए। आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th पास होना चाहिए 40% एग्रीगेट मार्क्स के साथ और 40% आपको इंग्लिश में होने चाहिए। आपका आई साइट 6x6 होनी चाहिए, आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए और आपका वेट 48 केजी से ज्यादा होना चाहिए। अब बात करेंगे STCW की। STCW का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉचकीपिंग, मगर अब हम इसे BSST बोलते हैं, बेसिक STCW सेफ्टी ट्रेनिंग। जीपी रेटिंग में कैसा था कि आपकी एज 25 से कम होनी चाहिए, मगर STCW कोर्स करने के लिए अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है फिर भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। जीपी रेटिंग एक 6 महीने का प्री सी ट्रेनिंग कोर्स है। आप जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो तो इन 6 महीनों में आपको बहुत कुछ बेसिक बातें शिप की बताई जाती है, आप बहुत कुछ सीख जाते हो और जब आप शिप पर जाते हो तो हर चीज आपको कैच करना ईजी हो जाता है। जैसे आपको कोई सीनियर कुछ सिखाता है तो आप जल्दी से उसको सीख जाते हो। और STCW 14 दिन का टोटल कोर्स है। इसमें आपको एक 5 छोटे-छोटे कोर्सेस हैं, PST, PSSR, EFA, FPFF एंड STSDSD। जीपी रेटिंग में 6 महीने का कोर्स होता है तो उसमें ज्यादा कुछ आदमी सीख जाता है और ये 14 दिन में आप कितना सीख पाओगे। कुछ लोग होते हैं जो STCW करके शिप पर चले तो जाते हैं मगर उनको जब काम के टाइम बेसिक चीजें भी नहीं पता होती, शिप के टर्म्स नहीं पता होते, टाइप्स ऑफ शिप्स, टाइप्स ऑफ फ्लैग्स, बेसिक चीजें नहीं पता होती तो उनको काम में बहुत प्रॉब्लम आती है। और शिप पर कैप्टन आपका काम देखते हैं, अगर आपका काम अच्छा है तो आपको रखेंगे, नहीं तो आपको घर भेज देंगे। जैसे एक शिप पर 2 रेटिंग है, एक जीपी रेटिंग करके आया है और एक STCW करके आया है। तो जीपी रेटिंग का क्या होता है, जो जीपी रेटिंग करके आया है उसको बेसिक टर्म्स पता होते हैं, अगर उसको उसका सीनियर कोई काम बोल रहा है तो फटाफट भाग के कर लेता है। मगर STCW वाले के साथ क्या होता है, उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बेसिक जो टर्म्स होते हैं जैसे ये ले आ तो उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वो काम में स्लो रहता है। और कैप्टन को किसी एक को ही रखना है तो वो ऑब्वियसली जीपी रेटिंग वालों को ही रखेगा। अब कुछ लोगों के मन में यह आता है कि हम जीपी रेटिंग करके जाएंगे तो हमें सैलरी ज्यादा मिलेगी या STCW करके जाएंगे सैलरी कम मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिप पर आपकी सैलरी आपके रैंक पर डिपेंड करती है। अगर एक ही शिप पर एक रैंक के 2 लोग हैं तो दोनों की सैलरी सेम ही होगी, अगर फ्रेशर है तो। ये बात अलग है कि वो एक सीनियर है तो उसका हो सकता है सीनियरिटी बढ़ जाए, लेकिन जो बेसिक सैलरी होती है वो सेम ही होती है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है STCW कोर्स करने वालों में और जीपी रेटिंग कोर्स करने वालों में, कि जो जीपी रेटिंग कोर्स करता है वो 6 महीना शिप पर काम करके, मतलब सी सर्विस करके वो वॉचकीपिंग का सर्टिफिकेट निकाल सकता है, लेकिन जो STCW कोर्स करके जाता है उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मतलब ये समझ के चलो जीपी रेटिंग वालों को जल्दी वॉचकीपिंग का सर्टिफिकेट मिलता है STCW कोर्स करने वालों से। एक फ्रेशर के लिए मेरे हिसाब से जीपी रेटिंग कोर्स STCW कोर्स से ज्यादा बेटर है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, जैसे 2 लोग हैं, एक STCW कोर्स करके आया है और एक जीपी रेटिंग कोर्स करके आया है, दोनों भी फ्रेशर्स हैं और दोनों एक ही कंपनी में एक ही दिन एक ही समय इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो कंपनी का ओनर है वो किसको हायर करेगा? आपको क्या लगता है, जो जीपी रेटिंग करके आया है 6 महीना ट्रेनिंग पूरी करके आया है बहुत कुछ सीख के आया है उसको लेंगे, या जो STCW 14 दिन कोर्स करके आया है उसको लेंगे जिसको अभी तक कुछ मालूम नहीं हो, जो शिप पर जाके सीखने वाला है? तो ऑब्वियसली वो जीपी रेटिंग वाले को ही लेंगे। अगर आपकी खुद की भी कंपनी होगी तो आप भी वही जीपी रेटिंग वालों को ही लोगे। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। अब मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊंगा। अगर आपकी एज 25 ईयर्स से कम है, आप फ्रेशर हो, बिल्कुल आपको कोई काम का एक्सपीरियंस नहीं है, आप एकदम नए हो, कोई काम अभी तक आपने किया नहीं है, आपके पास 2 से 2.5 लाख रुपए तक हैं और आपके पास 6 महीने का टाइम है, तो मैं आपको जीपी रेटिंग ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि STCW करके फिर कोई फायदा नहीं है। STCW आप कर तो लोगे लेकिन आपको जॉब मिलने के चांसेस ना के बराबर है। समझो आप किसी एजेंट के पास जाके जॉब लेते भी हो तो वो भी आपसे 3 लाख तक लेगा,
एटलीस्ट उनकी फीस अभी 3 लाख तो चली रही है, और उसमें भी कितने फ्रॉड होते हैं ये आपको पता ही है। तो इससे अच्छा आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ, 2 से 2.5 लाख रुपए लगेंगे, डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में चले जाओ। अगर आपको टीएस रहमान, नूसी या ग्रेट ईस्टर्न जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाता है जीपी के लिए, तो आपसे ज्यादा लकी कोई नहीं है, क्योंकि जो ये इंस्टीट्यूट हैं ये अपनी पूरी कोशिश करते हैं आपको प्लेसमेंट देने की। अब बात करेंगे कौन से लोग एसटीसीडब्ल्यू के लिए जाएं। तो अगर आपको काम का अच्छा एक्सपीरियंस है, ये बात नोट कर लो, अगर आपको काम का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपकी एज 25 ईयर्स से ज्यादा हो चुकी है, अब आपका कोई चांस नहीं है जीपी रेटिंग में एडमिशन के लिए, फिर भी आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, और आपका ब्लड रिलेशन में कोई शिप पर काम करता हो, मतलब आपका एकदम कड़क रेफरेंस है कि आप एसटीसीडब्ल्यू कोर्स कर लोगे और आपको जॉब मिल ही जाएगी, तभी आप एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करो, वरना मत करो। क्योंकि फ्रेशर को जॉब नहीं मिलने वाली जब तक कि आप एजेंट को नहीं पकड़ोगे या आपका बहुत कड़क रेफरेंस नहीं होगा। आखिर मैं आपको यही बता दूं कि आप जो भी कोर्स करो, एसटीसीडब्ल्यू या जीपी रेटिंग, आप डीजी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से ही करना, किसी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपका कोर्स करके कोई फायदा नहीं होगा, कोई सर्टिफिकेट की आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।